पिछले एपिसोड में आपने देखा, यक्षिणी विजय और पूजा को जान से मार देती है। अब आगे कुछ ही सेकंड में यक्षिणी विजय और पूजा के शरीर का सारा खून पी गई। खून पीते ही वह अचानक सुंदर चेहरे में परिवर्तित होकर अशोक को रहस्यमय नजरों से देखती हुई बोली, तुम मेरे आखिरी शिकार हो अशोक, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और आखिरकार मैं तुम्हें यहां तक खींच लाई। अशोक और रूपाली अविश्वास भरी नजरों से फटी फटी आंखों से अपने दोस्तों की लाश को देख रहे थे। मेरे दोस्तों ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उन्हें इतनी बेरहमी से मार दिया? अपने दोस्तों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो अशोक, और तुम्हारी आंखों के सामने ही मैं तुम्हारी इस दोस्त को भी मार दूंगी। इसकी मौत के जिम्मेदार भी तुम ही होगे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? भला मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुमने नहीं अशोक, तुम्हारे पूर्वजों ने। मैं तुम्हारे पूर्वजों की पीढ़ियों तक की काल हूँ, जिसके आखिरी वारिस सिर्फ तुम ही बचे हो। तुम्हें मारने के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं सारे संसार में कहर ढा दूंगी। अचानक अशोक और रूपाली के कानों में उसी साधु की आवाज टकराई, जो कि उस महल के बाहर से ही आ रही थी। उस यक्षिणी की बात मत सुनो, बगैर कुछ बोले बेहद फुर्ती से इस महल से बाहर आ जाओ। याद रखना, किसी भी हाल में पीछे मुड़कर मत देखना, अगर पीछे मुड़कर देखा तो मौत निश्चित है। उस आवाज को सुनकर यक्षिणी के चेहरे पर फिर से क्रोध झलकने लगा। देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक अजीब सा वहशीपन सवार हो गया। अगले ही क्षण उसका चेहरा एक भयानक औरत के रूप में परिवर्तित हो गया। अशोक बेहद फुर्ती से रूपाली का हाथ पकड़कर महल के बाहर आ गया। उसने देखा कि उसके सामने वही साधु खड़ा हुआ था जो कि कुछ देर पहले उसे हाईवे पर मिला था। अशोक उस साधु से कुछ बोलता कि अचानक उस साधु ने अपनी झोली से एक मिट्टी निकालकर अशोक और रूपाली के शरीर में फेंक दी। शरीर पर मिट्टी पड़ते ही अशोक और रूपाली ने अगले ही पल अपने आप को एक दूसरे स्थान पर पाया। अशोक और रूपाली हैरत भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगे। मैंने तुम दोनों के शरीर पर मंत्र युक्त मिट्टी फेंकी है, कुछ देर तक कोई यक्षिणी तुम दोनों को नहीं देख पाएगी, मगर याद रखना कुछ देर बाद इस मंत्र युक्त मिट्टी का असर समाप्त हो जाएगा। अशोक जो कि बहुत डरा हुआ था, अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए सारी घटना साधु को बताने लगा। वो तो तुम सबको कुछ देर पहले जंगल में ही मार देती अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता, और उस समय मैंने तुमसे कहा था कि वापस चले जाओ। लेकिन मेरे दोस्तों को उसने क्यों मारा? आपने सही कहा था, वो कोई इंसान नहीं है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। क्योंकि तुम कोई आम पुरुष नहीं हो बेटा, तुम सुंदर नगर के पूर्व राजा अभिमन्यु के परिवार से ताल्लुक रखते हो, बल्कि यूं कहा जाए कि तुम राजा अभिमन्यु के खानदान की आखिरी संतान हो तो गलत नहीं होगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। साधु ने जो घटना अशोक को बताई उसे सुनकर अशोक और रूपाली दोनों के होश उड़ गए। साधु ने बताया कि इस कहानी की शुरुआत आज से 300 साल पहले हुई थी। राजा अभिमन्यु के राज में एक अघोरी रहा करता था जो शैतान का पुजारी था। दौलत और हमेशा जीने की लालसा में उसने यक्षिणी साधना करना शुरू की और सफल हो गया। मगर यक्षिणियां जिस किसी के वश में आती हैं वो उससे अपनी मनमानी शर्तें मनवाती है। यक्षिणी ने उस अघोरी के सामने एक शर्त रखी कि उसे रोज एक नवजात शिशु लाना होगा, और उस दिन से सुंदर नगर में बच्चों के गायब होने की वारदातें बढ़ने लगी। लोग यही समझते थे कि वो अघोरी उनकी संतानों की शैतान को बलि दे रहा है। एक दिन वो शैतान अघोरी राजा अभिमन्यु के नवजात शिशु उनकी पहली संतान को ही उठाकर ले गया, जो कि एक पुत्र था। अपने पुत्र के गायब होने से राजा क्रोध में आ गया। उसने उस साधु को अपने सैनिकों से अपने महल में उठवा लिया
मगर राजा नहीं जानता था कि साधु के वश में एक खतरनाक यक्षिणी है। साधु ने यक्षिणी से एक वचन लिया था कि अगर राजा उसे मार देता है तो उसे राजा के पूरे खानदान को तबाह करना होगा। मैं समझ गई बाबा, अशोक राजा अभिमन्यु के खानदान का आखिरी वारिस है। सही कहा, इसे मारने के बाद यक्षिणी पूरी तरह से आजाद हो जाएगी और मानवता पर कहर ढा देगी। तो क्या उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है बाबा? एक उपाय है। इतना बोलकर उस साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ देर बाद अशोक और रूपाली को अपने आसपास का सब कुछ हिलता हुआ सा महसूस होने लगा। अचानक अशोक और रूपाली को साधु के हाथ में एक चमकता हुआ लोहे का पहना और नुकीला भाला रंग बिरंगी किरणों के साथ दिखाई देने लगा। साधु अशोक की ओर देखता हुआ बोला, इस भाले को मजबूती से पकड़ लो अशोक। याद रखना, किसी भी हाल में यह भाला तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अशोक ने उस भाले को मजबूती से पकड़ लिया। अशोक ने देखा कि उस साधु ने आंखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ देर बाद अशोक को अपने सामने रंग बिरंगी किरणों के साथ एक गोल आकार का अजीब सा द्वार नजर आने लगा। अशोक स्वयं को उस द्वार की ओर खींचता हुआ महसूस करने लगा। अचानक साधु अपनी आंखें खोलकर अशोक से बोला, यह एक द्वार है अशोक, इस द्वार के अंदर प्रवेश कर जाओ। कैसा द्वार बाबा? भूतकाल में जाने का द्वार। इस काल में यक्षिणी को मारना असंभव है। बहुत लोगों का खून पीने के बाद वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मुझे क्या करना होगा बाबा? इस द्वार के अंदर प्रवेश करते ही तुम अपने आप को राजा अभिमन्यु के काल में पाओगे। मगर याद रखना, तुम्हें वहां पर किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। इस भाले से यक्षिणी के सीधे दिल पर प्रहार करना, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस तरह से तो समय बदल जाएगा बाबा, तो क्या हमारे दोस्त जीवित हो जाएंगे? नहीं, जो मर गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन इस दुनिया में बहुत से वो लोग जीवित बच जाएंगे जिन्हें भविष्य में यक्षिणी मारने वाली है। उस साधु ने इतना कहा ही था कि तभी वहां देखते ही देखते काले रंग का धुआं छाने लगा और देखते ही देखते उस काले धुएं ने यक्षिणी का रूप धारण कर लिया। यक्षिणी साधु को क्रोध भरी नजरों से देखने लगी। अचानक यक्षिणी ने साधु का गला कसकर पकड़ लिया और चीखती हुई बोली, तू मुझे मारेगा, देखती हूँ इन सबको कैसे बचाता है तू। साधु चीखते हुए अशोक से बोला, इसकी बात मत सुनो अशोक, तुम्हारे पास कुछ ही क्षण बचे हैं, जाओ उस द्वार के अंदर प्रवेश कर जाओ। अशोक बेहद फुर्ती से उस द्वार के अंदर प्रवेश कर गया। अचानक अशोक ने स्वयं को एक महल के अंदर पाया। उसने देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। और यक्षिणी क्रोधित अवस्था में उन लाशों को देख रही थी। अशोक समझ गया कि वो राजा अभिमन्यु के काल में पहुंच गया है। वो उस समय में पहुंचा है जिस वक्त यक्षिणी ने राजा अभिमन्यु और उसके परिवार को जान से मार दिया था। यक्षिणी अशोक की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोली, कौन है तू? मगर अशोक ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर एक ही झटके में पूरी ताकत से उस भाले से यक्षिणी के सीधे दिल पर प्रहार कर दिया। यक्षिणी की एक दिल दहला देने वाली चीख उस महल में गूंज गई। देखते ही देखते यक्षिणी एक काले धुएं में परिवर्तित हो गई और एक बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके से महल की जमीन फट गई और वो काला धुआं उस जमीन के अंदर समा गया। कुछ ही क्षणों में महल की जमीन अपनी असली हालत में आ गई। कुछ देर बाद अशोक की आंख उस महल के खंडहर के बाहर खुली जहां उस साधु ने अशोक और रूपाली के शरीर पर मिट्टी फेंकी थी। अशोक समझ गया कि वो अपने काल में वापस आ चुका है। अशोक तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि रूपाली के ठीक बगल में वही साधु खड़ा हुआ था।
अगर तुम जरा सी देर और कर देते अशोक, तो ये यक्षिणी मुझे और रूपाली को मार देती और तुम भी नहीं बचते। अब तुम अपना जीवन आराम से जी सकते हो। अब वो यक्षिणी कभी भी तुम्हारे सपने में नहीं आएगी। वो अपनी दुनिया में वापस चली गई। लेकिन आपने अपने बारे में नहीं बताया बाबा, आप मेरे परिवार के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? आप कौन हैं? यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है अशोक, कुछ रहस्य रहस्य रहे तो अच्छा है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अशोक सुंदर नगर से नम आंखें लिए रूपाली को लेकर अपने घर वापस आ गया। वह आज भी अपने दोनों दोस्तों को बहुत याद करता है।